Hello students, how are you all? Today in English grammar we will learn conjunction and types of conjunction. So first of all we will see what is conjunction. So as the name itself tells, conjunction. Junction ka matlab kya hota hai? Junction means the place which connect two places, right? Jaise ki aap logon ne railway station mein dekha hoga, अहमदाबाद जंक्शन, गांधीनगर जंक्शन, बड़ौदा जंक्शन. तो जंक्शन क्या काम करता है? दो प्लेसेस को जॉइंट करता है, कनेक्ट करता है, राइट. तो कंजंक्शन का मतलब ये होता है, इट जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस. क्लियर? तो देखते हैं, अ जंक्शन इज लाइक ग्लू. तो जंक्शन कैसा है? इट इज़ लाइक अ ग्लू, मतलब गुंदर जैसा है. इट हेल्प्स थिंग्स टू स्टिक टुगेदर, और ये मतलब चीज़ों को जोड़कर रखता है. यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है कंजंक्शन की, अ कंजंक्शन जॉइंट वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस. तो कंजंक्शन किसको जॉइन करता है? इट जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड क्लॉजेस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन. सो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन जॉइंट टू और मोर वर्ड्स. तो कंजंक्शन जो है वो दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स को वो जॉइन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, I went to the store to buy eggs, milk and bread. So here and is your conjunction. क्योंकि and ने क्या किया है? Milk और bread को joined किया है, right? Moves towards second example. Conjunction can join two prepositional phrases. Conjunction जो है वो दो prepositional phrases को, मतलब दो phrases को भी ये joined करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट स्कीइंग डाउन द हिल एंड पास्ट द ट्रीज. हियर एंड इज़ अवर कंजंक्शन एंड द हिल एंड द पास्ट द ट्रीज, दीज आर अवर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. वॉट इज़ अ कंजंक्शन? आगे देखते हैं. कंजंक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस. कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को भी जॉइंट करता है. When two sentences are joined, a comma must be placed before the conjunction. अगर हम किसी भी दो सेंटेंस को जॉइंट करते हैं तो हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा. क्लियर? वी हैव टू एड कॉमा इन बिटवीन द सेंटेंसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले कार्ड्स फॉर अ वाइल बट देन आई प्लेड चेस. तो यहाँ पर यह जो बट है, दैट इज़ अवर कंजंक्शन, और हमने यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जॉइंट किया हुआ है. नाउ टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. वन टाइप ऑफ कंजंक्शन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो फर्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेज विच आर सेंटेंसेस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो किसको जॉइंट करता है? वर्ड, फ्रेज और क्लॉज को जॉइंट करता है जो एक सेंटेंस हो. दे कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब वो जो सेंटेंसेस है उसको जॉइंट करता है वो भी इक्वल वैल्यू में. देखते हैं कुछ एग्जांपल्स उसके. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. सो देयर आर बेसिकली सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब यहाँ पर ये फैन बॉयज़ है, वो फैन बॉयज़ क्या है? इट्स ए एक्रोनिम टू रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ऑल दीज आर योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. मतलब ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिसको हम दो कोई भी वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज को जॉइंट करने के लिए यूज़ करेंगे. अब आप पूछोगे कि सर ये फैन बॉय क्या है? तो फैन बॉय क्या है? ये सबके इनिशियल लेटर है. जैसे कि एफ फॉर फॉर हो गया, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो. सो दिस इज़ द एक्रोनिम्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, फैन बॉयज. तो ये सारे जो कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वो याद हो जाएंगे. क्लियर? देन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग्स ऑफ योर सेंटेंस. अब जैसे ही हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, इट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस. तो ये हमारे सेंटेंस के मीनिंग को थोड़ा अफेक्ट करेगा.
एंड कनेक्ट थिंग्स दैट आर अलाइक और जॉइंट टुगेदर। हम एंड कब यूज़ करेंगे और उसका क्या यूज़ है? तो एंड कब यूज़ करेंगे? व्हेन दैट थिंग्स आर अलाइक, मतलब थिंग्स दोनों अलाइक हो, एक जैसी हो और हम उसे जॉइंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आई वांट पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा, सॉरी आई वांट पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा, मुझे मतलब पिज़्ज़ा भी चाहिए एंड पॉपकॉर्न भी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। जैसे मैंने आगे बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस पे थोड़ी इफेक्ट डालता है उसके मीनिंग पे। बट कब यूज़ करना है? बट इज़ यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट। बट कब यूज़ करेंगे? जब कोई थिंग्स डिफरेंट हो और जब कोई सेपरेटेड चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज़्ज़ा, मतलब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए लेकिन पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। सो आई वॉन्ट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज़्ज़ा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, वही चीज़ है। और इज़ यूज्ड, और कब यूज़ करना है? और इज़ यूज्ड टू ऑफर अ चॉइस, आपकी अगर कोई चॉइस बतानी है, बाय दैट टाइम वी विल यूज़ और। डू आई वॉन्ट पॉपकॉर्न और पिज़्ज़ा, सो हियर और इज़ योर कंजंक्शन। तो क्या तुम्हें, क्या मुझे पॉपकॉर्न चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए? तो यहाँ पर हमें आपकी हमारी यहाँ पर हमें अपनी चॉइस बतानी होती है। देन नॉर कब यूज़ करना है? नॉर इज़ यूज टू ऑफर अ नेगेटिव चॉइस। नॉर कब यूज़ करना है? जब आपकी कोई नेगेटिव चॉइस बतानी हो, बाय दैट टाइम यू कैन यूज़ नॉर। आई डू नॉट वॉन्ट पॉपकॉर्न नॉर पिज़्ज़ा, मतलब मुझे पॉपकॉर्न भी नहीं चाहिए नॉर पिज़्ज़ा, और ना मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। By that time we use nor. Coordinating conjunctions affect, same है, meaning में changes आते हैं, affect करता है meaning को। Yet is used, अब yet कब use करेंगे? To show a change, मतलब कोई change लाना हो। When it used to combine two sentences, you must put a comma before it. तो जब भी हम दो sentences को joint करते हैं, by that time we use but, और जब दो सेंटेंस को जॉइन करेंगे वी पुट कॉमा, हम बीच में कॉमा लगा देंगे। देखते हैं, फॉर एग्जांपल, आई वांट पॉपकॉर्न, देन आफ्टर वी पुट कॉमा, उसके बाद कंजंक्शन लगाना है, आई आल्सो वांट पिज़्ज़ा। आई वांट पॉपकॉर्न, पुट कॉमा, येट आई आल्सो वांट पिज़्ज़ा। देन सो इज़ यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। सो कब यूज़ करना है? किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन शो करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन बताना है, बाई दैट टाइम वी यूज़ सो। वैन इट इज़ यूज टू कम्बाइन टू सेंटेंसेज, और जब हम इसे किसी भी दो सेंटेंसेस को जॉइंट करते हैं, यू मस्ट पुट अ कॉमा बिफोर इट, तो हमें सो के पहले क्या लगा देना है? कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पॉपकॉर्न, सो आई मेड सम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, हमने ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, देन आफ्टर वी पुट सो। फॉर एग्जांपल, आई वांट पॉपकॉर्न, सो आई मेड सम। फॉर कब यूज़ करेंगे? फॉर इज़ आल्सो यूज्ड टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। सो के जैसा ही फॉर है, यहाँ पर भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कम्बाइन टू सेंटेंसेस, तब जब हम इसे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, यू मस्ट पुट अ कॉमा बिफोर इट, यहाँ पर भी हमें कॉमा लगाना है। आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, फॉर आई वॉज हंग्री, जैसे कि मैं भूखा था, फॉर आई वॉज हंग्री। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कॉल्ड कोर रिलेटिव कंजंक्शन। अब दूसरा जो कंजंक्शन है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, रिमेंबर दिस थिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेज विच आर सेंटेंसेस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का भी यूज़ यही है, इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेज विच आर सेंटेंसेस। कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू। अब ये कंजंक्शन ऐसा है जो दो इक्वल वैल्यू की चीज़ें हैं उसको ये कनेक्ट करता है। वी विल सी सम एग्जांपल्स, देन ओनली यू विल कम टू नो। नाउ लेट अस सी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट सिंगल वर्ड्स। तो कोरिलेटिव जो है कंजंक्शन वो सिंगल वर्ड नहीं है,
दे वर्क इन पेयर, तो यहाँ पर देखो ये पेयर में जो कंजंक्शन है बोथ लगाओगे तो एंड हमें लगाना ही पड़ेगा। वेन एवर वी यूज़ वेदर और लगाना पड़ेगा, जब भी हम नाइदर यूज़ करेंगे वी हैव टू यूज़ नॉर, नॉट ओनली के बाद हमें बट ऑल्सो लगाना पड़ता है, आइदर के बाद और लगाना पड़ता है। सो ऑल दिस कंजंक्शंस आर इन पेयर, ठीक है। उसके पहले हमने क्या देखा था कि जो भी कंजंक्शंस थे वो सारे कंजंक्शंस कैसे थे, दे वेयर ऑल इन सिंगल वर्ड, क्लियर। यहाँ पर सब पेयर में है, मतलब डबल वर्ड है। सो देर आर फाइव पेयर्स ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर फाइव को रिलेटिव कंजंक्शन एंड वी विल सी वन बाई वन। आई सो बोथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यहाँ पर देखो जो बोथ है ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे हमने बोथ यूज़ किया वी हैव टू यूज़ एंड, दिस इज़ ऑल्सो अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये दोनों जो है वो दोनों पेयर में हैं, राइट, दे बोथ आर इन पेयर, तो वेन एवर वी यूज़ बोथ वी हैव टू यूज़ एंड। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिस बोथ एंड एंड, ये दोनों ने मतलब पूरे सेंटेंस को ज्वाइंट किया है। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट नीदर पिकल नॉर टोमेटो ऑन माई हैमबर्गर, हियर ऑल्सो नाइधर का यूज़ किया तो नॉर का यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ज्वाइंट टू वर्ड्स सेंटेंसेज और फ्रेज यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्लियर। देन आई डोंट नो वेदर टू प्ले बास्केटबॉल और टू प्ले बास्केटबॉल दिस ईयर, हियर ऑल्सो वेदर एंड टू का यूज़ किया है, दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शन बिकॉज दे आर इन पेयर। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर कैन आंसर द क्वेश्चन, हियर ऑल्सो आइदर एंड और का यूज़ किया है। नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट, नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट बट आई ऑल्सो प्ले द क्लैरिनेट, सो हियर ऑल्सो नॉट ओनली का यूज़ करके हम बट ऑल्सो का यूज़ करना होता है, सो दे वर्क इन पेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हियर वी हैव फिनिश्ड विथ कंजंक्शन टॉपिक, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।